जो कनाडा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत से पंगा लेकर बैठा था, वो आज औकात में आ गया है। औकात में लाने वाला कोई और नहीं, भारत ही है। भारत ने जब कनाडा की ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तब उसके तेवर बदल गए। भारत ने जस्टिस ट्रूडो को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत से ऐसी मार पड़ी कि आग दिखाने वाले कनाडा के मिजाज नरम पड़ गए हैं। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंटों का हाथ होने का दावा करने के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए राजनीतिक तनाव को कम करने की कोशिश के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नवरात्र के अवसर पर हिंदू समुदाय को अपनी शुभकामनाएं दी। पीएम ट्रूडो ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया, नवरात्र की शुभकामनाएं, मैं हिंदू समुदाय के सदस्यों और इस त्योहार को मनाने वाले सभी लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कनाडाई पीएम द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस बयान में कहा गया है कि अगले 9 रातों और 10 दिनों में कनाडा और दुनिया भर में हिंदू समुदाय के सदस्य नवरात्र मनाने के लिए इकट्ठा होंगे। बयान में कनाडाई पीएम के हवाले से आगे कहा गया, नवरात्र हिंदू आस्था में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो भैंस के सिर वाले राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत और बुराई पर अच्छाई की विजय के याद दिलाता है। इसे अक्सर स्त्री शक्ति के उत्सव के रूप में देखा जाता है। ये समय दोस्तों एवं परिवार के लिए एक साथ आने और प्रार्थना करने के साथ ही आनंदमय प्रदर्शन, विशेष भोजन और आतिशबाजी के साथ सदियों पुरानी परंपराओं का सम्मान करने का है। जैसे टूडो ने इस उत्सव को हिंदू समुदायों की संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और कनाडा में उनके योगदान को पहचानने का अवसर भी बताया। उन्होंने कहा, सभी कनाडाई लोगों के लिए नवरात्र हिंदू समुदायों के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में अधिक जानने और कनाडा के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में उनके अमूल्य योगदान को पहचानने का अवसर भी प्रदान करती है। आज के उत्सव हमें याद दिलाते हैं कि विविधता कनाडा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बयान में उनके हवाले से आगे कहा गया, मैं अपने परिवार और कनाडा सरकार की ओर से इस साल नवरात्र मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले खालिस्तान समर्थक गुरु पतवन सिंह पन्नू के हमास का समर्थन करने और कनाडा सहित G7 देशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों के खिलाफ धमकियां देने पर चिंता व्यक्त करते हुए हिंदू समुदाय ने ट्रूडो सरकार से खालिस्तानी नेता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लांक को संबोधित एक ईमेल में हिंदू फोरम ऑफ कनाडा यानी HFC ने पन्नू के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में कनाडाई संसद को संबोधित करते हुए पीएम ट्रूडो ने दावा किया कि खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। हालांकि भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेतुका बताया। इतना ही नहीं, आरोप के मद्देनजर दोनों देशों के रिश्तों में खटास भी आ गई। विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, हमने कनाडाई प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके बयान को भी खारिज कर दिया। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की भागीदारी, आरोप बेतुके हैं। हम लोकतांत्रिक हैं और कानून में पूरा विश्वास रखते हैं। बता दें कि भारत में नामित आतंकवादी निज्जर की 18 जून को कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। हालांकि कनाडा ने हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने के अपने दावे के समर्थन में अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। ट्रूडो के निज्जर की हत्या में भारत के एजेंटों की संभावित संलिप्तता के आरोप लगाने के बाद भारत ने कनाडा के राजनयिकों को जैसे का तैसा निष्कासन की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी निलंबित कर दी। भारत के कड़े रुख की वजह से जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए और उन्होंने संबंध सुधारने के लिए ये पहल की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।